अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल हैं आपके। आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप बताएं, आज जुमा है, आप लोग को जुमा बहुत बहुत मुबारक। और आपके जुमा के दिन की क्या रूटीन है। और हमारी रूटीन ऑलमोस्ट सेम होती है, सुबह जुमा के दिन अक्सर जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ के सारे काम निपटाने, हस्बैंड का कुर्ता पजामा प्रेस करना और बच्चों को जल्दी तैयार करना, तो ये सब जुमा के रूटीन में इंक्लूड होता है। और अभी क्या, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं फ्री हो चुकी हूँ, सारे काम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस मुझे नमाज़ पढ़ना है। और मैं नमाज़ अभी तक नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि जुहान थोड़ा परेशान कर रहा था और उसके पापा भी चले गए हैं, तो उसे लेने वाला अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। मायरा खाना खा रही है, तो मायरा जब खाना खा के फ्री हो जाएगी तो मैं जुहान को ले लूँगी, मायरा जुहान को ले लेगी और फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद मेरा खाना वाना होगा, क्योंकि जुमे के दिन क्या होता है, जब तक नमाज़ ना पढ़ लो फिर खाना खाने का मन नहीं करता। नमाज़ पढ़ लो, रिलैक्स होकर आराम से फिर खाना खाओ। तो अभी तक मैंने खाना खाया नहीं है, अभी खाना खाऊंगी और पहले नमाज़ पढ़ लूँ। और देखो ये जुहान क्या कर रहा है, मायरा को भी बिल्कुल परेशान कर देता है वो। बस मायरा टीवी देखती है। जुहान ये देखो, मेरा बेटा भी रेडी हो चुका है। मायरा खाना खाने में इतनी ज़्यादा लेज़ी है ना कि पूछो मत, उसे पूरा 1 घंटा चाहिए होता है, 1 घंटा पौने घंटे में वो खाना ख़त्म करती है। ये देखो जुहान मायरा को भी परेशान कर रहा है, उससे रिमोट ले रहा है। ये देखो, दे दो बिट्टू, ये देखो आप आओ मम्मा के पास आओ। ये देखो आज मैंने खाने में अपनी पुलाव बनाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया। और बहुत जल्दी जल्दी मैं बना लिया क्योंकि जुमे का दिन था और मैं थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि रात में मैं बहुत लेट सोई थी। तो मैं फिर मैंने जल्दी जल्दी मैं अखनी पुलाव बना लिया और फिर अब सारे काम हो चुके हैं, फ्री हो चुकी हूँ और दिखाऊंगी मैं आपको पूरे दिन का रूटीन क्या है क्या नहीं। हाँ, सो गया है और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। मेरे बच्चे को यहाँ पे चोट लग गया, इतना तेज़ ना, रोते रोते सो गया मेरा बच्चा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो आज मैंने क्या बनाया है। आज मैंने अपनी पुलाव बनाया है और रात साथ में है थोड़ा रायता। ये मायरा को रायता बहुत पसंद है और यखनी भी बहुत पसंद है। अभी वो स्कूल से आई है तो मुझे लगा चिकन था, मैंने बोला क्या बनाऊँ फटाफट, तो फटाफट ये 15 मिनट में यखनी बन जाती है, तो मैंने ये बनाया है मायरा के लिए। आज है फ्राइडे और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे, शाम हो चुकी है और मम्मी लोग आ रखी थी। हस्बैंड ने बोला भी तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की जब वो आ रखी थी, मैंने बोला कोई नहीं मैं अभी होके आती हूँ, तो मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी। आज रात में मैं वहीं रुकूँगी क्योंकि सैटरडे संडे मायरा के स्कूल की छुट्टी होती है। मैं मम्मी के घर पर आ चुकी हूँ और मम्मी के घर पर आके मेरा फेवरेट जगह है ये बालकनी, क्योंकि बालकनी से दिखता है ये पूरा रोड, पूरा मेन रोड दिखता है यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी अभी मेरे लिए चाय बना रही हैं, मम्मी चाय बना के ला के देंगी और मैं चाय पीऊँगी। और मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी मार्केट चली जाऊँ, मीन्स यहाँ पे एक मार्केट लगती है, तो फिर मम्मी के साथ सोच रही हूँ मम्मी के साथ थोड़ा घूम के आऊँ, वहाँ मोमोज़ वोमोज़ खा के आऊँ। रमज़ान के बाद अभी तक मोमोज़ नहीं खाया है, वैसे बनाया तो बहुत कुछ था लेकिन हाँ मोमोज़ नहीं खाया है, तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ मोमोज़ खा के आती हूँ। देखती हूँ भाई ज़िद कर रहा है आप ही आ गए हो तो बिरयानी बना दो, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बिरयानी बनाऊँ या फिर मार्केट जाऊँ, देखती हूँ क्या करूँगी। सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए मार्केट चली जाऊँ फिर आके बिरयानी बना दूँगी, क्योंकि मम्मी के घर पर खाते हैं सब लेट खाना, तो मैंने सोचा चल कोई नहीं लेट हो जाएगा, यहाँ तो लेट ही खाते हैं सब, तो फिर मैं देखती हूँ अभी क्या करूँगी। थोड़ी देर के लिए सोच रही मार्केट चली जाऊं और मम्मी के साथ घूम के आ जाऊंगी फिर बिरयानी बना दूंगी।
हाँ लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिरयानी और मोमो साथ साथ हो जाएगा, टू हेवी हो जाएगा, क्योंकि क्या करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे मार्केट में। मम्मी मेरे लिए चाय लेके आ गई है, थैंक यू मम्मी। मम्मी मेरे लिए चाय लेके आ गए हैं, देखो। चलो यहाँ ले, वो कितना भीड़ लगा है वहाँ पे। ये मायरा रोते हुए जुहान, ए जुहान, मायरा 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 इधर देखो, ये कर दे बंदी, बहुत ऐसे नहीं करते ना। ये हमारा मोमोज बन रहा है, ये मायरा रोते हुए की मस्ती होते हुए। भैया कितना टाइम लगेगा? यहाँ 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 करके दिखाओ, यहाँ करके दिखाओ, सबको देखो, सब देखेंगे, देखो जहाँ को देखो तो ये देखो, यहाँ देखो ना, मम्मा की तरफ देखो, यहाँ 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 देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो ना, इधर देखे करो, यहाँ देखे करो, यह बारा बुबू आ चुका है। मायरा कैसा है मोमोज? मैं घर पे आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बिरयानी बनाने। रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ अब बिरयानी बनाने। मैं 1.5 घंटे में वहाँ से आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ लेना तो था। हेलो फ्रेंड्स, मेरी तो इतनी बुरी हालत हो गई, आप पूछो। और मैं मुझे मायरा को सिर्फ मोमोज वोमोज खिलाना था, खुद भी खाना था, तो बस मोमोज खा के और 2-3 चीज़ हमें कुछ कुछ दिख गया तो हमने लिया, और उसके बाद हम चले आए घर क्योंकि टाइम था नहीं। और हम आ गए हैं घर पे, 8:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ बिरयानी बनाने। मेरी बिरयानी बन चुकी है। हो चुका है और हम सब ने खाना खा लिया है। अब मैं फ्री बैठी हुई हूँ, अब हम सोने की तैयारी करेंगे। ये देखो मम्मी के घर की तो बात ही अलग होती है, बस क्या बताऊँ, इतना मज़ा आता है ना। और 2 बजे हम सोएंगे तो मतलब बातचीत होती रहती है, जब मैं आती हूँ तो स्पेशली ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। तो अब हमारा खाना पीना हो गया है और सब चीज़ हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ अब सोने की तैयारी करने, बच्चों को सुलाने। और जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।